नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे ट्राइन टावर्स प्रोजेक्ट का जो कि एजिस ग्रुप बना रहे हैं। एजिस का मतलब समझ लेते हैं पहले तो दोस्तों। एजिस का मतलब है बैक सपोर्ट प्रोटेक्शन फॉर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एजिस ग्रुप सपोर्ट कर रहा है ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए फाइनेंशियली दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब ये कि ऋषभ बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड को ये हेल्प कर रहा है फाइनेंशियली। तो सबसे पहले हम अबाउट द प्रोजेक्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में। यह प्रोजेक्ट 6.5 एकड़ की लैंड पर बन रहा है। टोटल 6 टावर्स हैं, 31 स्टोरीज हैं। एक फ्लोर पर 8 अपार्टमेंट होंगे और 3 लिफ्ट होंगी। अहिंसा खंड 2 की लोकेशन में बन रहा है जो कि मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट का एक हब है। तो अब हम दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन है अहिंसा खंड 2, इंदिरापुरम, गाजियाबाद। अगर आप NH-24 से दिल्ली साइड से आते हैं तो CISF कैंप रोड से इंदिरापुरम में एंटर करते हैं तो जयपुरिया मॉल के बाद पेट्रोल पंप से यू टर्न लेकर लेफ्ट टर्न लें, तब 400-500 मीटर अंदर जाकर ये प्रोजेक्ट है ट्राइन टावर्स। और अगर CISF कैंप से आगे चलें NH-24 पर तो आगे पुस्ता रोड, जहाँ से आप इंदिरापुरम में एंटर कर सकते हैं, यहाँ से जाते हैं तो आगे लेफ्ट में नियो स्कॉटिश गार्डन है और फिर Cloud9 टावर, और उसके बाद लेफ्ट में आ जाएगा ट्राइन टावर। तो 2 साइड एंट्री वाला ये प्लॉट है। तो नेक्स्ट है दोस्तों कि अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के फीचर्स के बारे में। इसके क्या फायदे, क्या अच्छाइयाँ, क्या गुण हैं इस प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहला है प्राइम लोकेशन। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन बहुत अच्छी है, 2 साइड ओपन है, 100% डेवलप्ड एरिया में ये प्रोजेक्ट बन रहा है। तो बनते ही यहाँ पर आप रह सकते हैं, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कनेक्टिविटी, यह प्रोजेक्ट नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली से वेल कनेक्टेड है। 10 से 15 मिनट में यहाँ पहुँचा जा सकता है, चाहे नोएडा हो, चाहे गाजियाबाद या फिर दिल्ली। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। इस प्रोजेक्ट से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छी है। मेट्रो 2 किलोमीटर दूर है जो कि नोएडा सेक्टर 62 या 63 दोनों के बीच में जो बना हुआ है। ये NH-24 2 किलोमीटर, आनंद विहार 7 किलोमीटर, जहां पर आप इजीली पहुंच सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। नेक्स्ट है दोस्तों बेसिक नीड्स, डेली नीड्स, सभी डेली नीड्स की चीज़ें प्रोजेक्ट के बाहर ही आपको मिल जाएंगी, महज 100 मीटर की डिस्टेंस पर। स्कूल महज 200 मीटर की डिस्टेंस पर है अवेलेबल यहाँ पर, और हॉस्पिटल 900 मीटर की डिस्टेंस पर अवेलेबल है, जयपुरिया मॉल के सामने ही, और इंदिरापुरम में कई सारे और भी हॉस्पिटल्स हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कंस्ट्रक्शन स्टेटस। प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्टेटस की अगर हम बात करें तो 2 से 3 टावर्स का साइज 8 से 12 मंजिल तक स्लैब पड़ चुका है, लेंटर पड़ चुका है, तो कंस्ट्रक्शन भी इनका ठीक ठाक ही है। नेक्स्ट है दोस्तों सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट। डेवलपर आजकल जहाँ सिर्फ वॉल दे रहे हैं, वहीं ये सेमी फर्निश्ड फ्लैट दे रहे हैं जिसमें मॉड्यूलर किचन, चिमनी, हॉब, वार्डरोब, लाइट, फैन, फॉल सीलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों एंट्रेंस लॉबी। एंट्रेंस लॉबी बहुत अच्छी बना रहे हैं रिसेप्शन के साथ, और फ्लैट का एंट्री गेट भी 8 फिट ऊंचा देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों एक फ्लोर ओपन ऑन ईस्ट टावर। प्रत्येक टावर में ये एक तरह की USP है कि प्रत्येक टावर में एक फ्लोर पर पूरा खाली होगा, जिस ओपन होगा वहाँ पर कोई फ्लैट नहीं होगा, पूरा का पूरा फ्लोर, तो अपने आप में वो बहुत ओपन स्पेस हो जाएगा हर टावर में होगा। तो उसे आप रिक्रिएशंस और वेलनेस एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों लो प्राइस। इंदिरापुरम जैसी डेवलप्ड एरिया में जहां अपेक्स ग्रुप का फ्लैट महंगा है, वहीं इनका प्राइस महज 3,950 रुपये पर स्क्वायर फीट है, जो बहुत ही कम है। नेक्स्ट है दोस्तों मॉडर्न अमेनिटीज। इस प्रोजेक्ट में सभी मॉडर्न अमेनिटीज होंगी, लाइक स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट है दोस्तों ओपन स्पेस। प्रत्येक टावर में एक फ्लोर ओपन होगा, मतलब 6 टावर में काफ़ी ओपन स्पेस मिल जाएगा किड्स के लिए, और ग्रीन एरिया भी ग्राउंड फ्लोर पर काफ़ी अवेलेबल होगा। फ्रेंड्स, जिस तरह सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह चाहे कोई व्यक्ति हो या संस्था, उसके भी नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू होते हैं। तो अब हम ये पॉजिटिव पहलू के लिए बात कर चुके हैं, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनके नेगेटिव पहलू के बारे में कि इनकी नकारात्मक क्या चीज़ें हैं। कंपनी इज नॉट एग्जिस्ट। दोस्तों एजिस होम्स नाम से वेबसाइट ये रन हो रही है जिसमें ये टाइम टावर्स आ रहा है,
तो एजिस होम कोई कंपनी ही नहीं है, आप गूगल करके देख सकते हैं। गूगल पर आपको एक वेबसाइट मिलेगी एजिस होम्स, परंतु जब आप वेबसाइट बनाते हैं और कंपनी का नाम कुछ अलग है तो उस वेबसाइट पर ये मेंशन होता है कि इस वेबसाइट के ऑनर जो हैं कंपनी का नाम एक्स है, जिसको आप गूगल करके पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एजिस होम नाम से कोई कंपनी नहीं है। और इससे ही बड़ी बात ये है कि प्रॉप टाइगर और हाउसिंग ग्रुप जैसी, housing.com जैसी बड़ी कंपनियां इस प्रोजेक्ट को इसी नाम से प्रमोट कर रहे हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस नाम से कोई कंपनी है कि नहीं है, उन्हें सिर्फ प्रमोशन का पैसा मिल जाना चाहिए और इसके अलावा उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि आगे कस्टमर्स के साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके साथ में कोई फ्रॉड हो रहा है, उनका कुछ नुकसान होगा क्या, लॉस होगा, या सिर्फ उनके एडवर्टीजमेंट की वजह से कहीं किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों एजिस एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। ये एक कंपनी है जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को फाइनेंस देती है, ये अपने प्रोजेक्ट नहीं बनाती है, परंतु इस कंपनी का नाम आपको ना कि किसी होल्डिंग पर मिलेगा, ना वेबसाइट पर और ना ही ब्राउजर पर। तो ये प्रोजेक्ट इस कंपनी का हो नहीं सकता है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चांस ये है कि ये प्रोजेक्ट इसी कंपनी का है एजिस एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, जिसने इसको फंड किया है, जो कि कंपनी ये फंड कर रही है ऋषभ बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड को। नेक्स्ट है दोस्तों रेरा नंबर। इस ट्राइन टावर्स नाम से जो प्रोजेक्ट बन रहा है, इस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर है यूपी रेरा PRJ3203। ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, होल्डिंग्स पर और इनके ब्राउजर पे भी प्रिंटेड है। इस रेरा नंबर को जब आप सर्च करोगे तो कुछ और ही नजर आएगा। प्रोजेक्ट नेम हिंडन ग्रीन वैली, डेवलपर नेम ऋषभ बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड। तो आखिर ये क्या हो रहा है, बायर्स को झूठ दिखाया जा रहा है, झूठ बताया जा रहा है और रेरा को गलत बताया जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों व्हाट वाज द प्रॉब्लम। एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट ऋषभ बिल्डवेल का ही था, ऋषभ बिल्डवेल जिसने कि Cloud9 टावर्स वैशाली में अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और इंदिरापुरम में Cloud9 टावर्स नाम से भी प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। तो आखिर ये अपना ये प्रोजेक्ट हिंडन ग्रीन वैली, जिसका पजेशन 2022 में देना था, 2021 में क्यों अधूरा छोड़कर किसी और को हैंडओवर कर दिया? क्योंकि इनका कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं है, प्रोजेक्ट में बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, इनके ये Cloud9 टावर्स में भी प्रॉब्लम रही थी। नेक्स्ट है दोस्तों काम जो है अधूरा कौन करेगा पूरा। ऋषभ बिल्डवेल जिसने कई प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं वो काम अधूरा छोड़ दिए, और एजिस होम जो कंपनी ही नहीं है और पर्दे के पीछे TNT ग्रुप जो अभी इस इंडस्ट्री में कदम रखे हैं, जिनके खुद के दो प्रोजेक्ट सिद्धार्थ विहार में अधूरे पड़े हुए हैं, पहले वो ही कंप्लीट कर लेते तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता। तो ये दो कंपनी एजिस होम्स और TNT करेंगे काम पूरा। नेक्स्ट दोस्तों फॉल्स कमिटमेंट। हर चीज़ की कोई लिमिट होती है, पर शायद बिल्डर के फॉल्स कमिटमेंट की कोई भी लिमिट नहीं होती है। ये इस बात से साबित होता है कि नेक्स्ट ईयर पोजीशन, ये इनकी टैगलाइन है, इनके होर्डिंग्स पर मिल जाएगा, इनके हर जगह जहां पे भी ये एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, चाहे वो FM रेडियो हो चाहे कहीं पे भी, वहां ये यही टैगलाइन दे रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर पोजीशन। तो 31 मंजिल इमारत बनानी है जो 12 से 13 मंजिल बनी हुई है, ये अगली साल तक 31 मंजिल का लेंटर ही डाल दें, और वो भी सिर्फ एक टावर का, तो भी मान लूंगा कि थोड़ा झूठ था, पर ये तो पोजीशन दे रहे हैं, शायद हो सकता है बिना दीवारों के ही पोजीशन दे दें, तो पॉसिबल हो सकता है मे बी। नेक्स्ट है दोस्तों व्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट कनावनी गांव से बिल्कुल लगा हुआ है, ज्यादातर पार्ट इसका कनावनी गांव से घिरा हुआ है। इस प्लॉट का 40 से 50% फ्लैट की बालकनी गांव की तरफ होंगी, जो कि व्यू अपार्टमेंट, जो व्यू अपार्टमेंट लवर्स को कभी पसंद नहीं आता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्राइस। प्राइस इन्होंने रखा है 3,950 रुपये पर स्क्वायर फीट, लेकिन ये प्राइस 27 फ्लोर से ऊपर के फ्लोर पर है, जो कि टोटल 31 फ्लोर हैं, और उससे नीचे अगर आप लेते हैं तो रेट नीचे, जैसे जैसे आप आते जाएंगे तो रेट बढ़ता जाएगा और अदर चार्जेस भी इनके एक्स्ट्रा रहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों सनलाइट इश्यूज। दोस्तों कनावनी गांव की तरफ जो बालकनी होंगी
उनमें धूप नहीं आएगी, बाकी साइड में क्लाउड नाइन टावर्स, भारत रेजिडेंसी और हिमालय टावर। तो ये प्रोजेक्ट बिल्कुल दबा हुआ है, इस प्लॉट का फ्रंट ही नहीं है, तो धूप का, सनलाइट का इश्यूज इस पूरे प्रोजेक्ट में रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैंने इस प्रोजेक्ट के प्रॉस एंड कंस दोनों पहलू बता दिए हैं। दोस्तों, ये बात हुई दोनों पक्षों की कि हाँ, प्लस माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स मैंने इस प्रोजेक्ट के बता दिए। तो कंक्लूजन ऑफ द वीडियो ये है कि ये प्रोजेक्ट 2017 में शुरू हुआ था, जिसका कि पजेशन ही 2022 में देना था, जिसका कंस्ट्रक्शन बीच में रुका हुआ था, और इस प्रोजेक्ट का नाम भी दूसरा था, हिंडन ग्रीन वैली। और ये बनाने वाले जो थे या इनकी ज़मीन है जो इस प्रोजेक्ट को लेके आए थे, वो हैं ऋषभ बिल्ड वेल प्राइवेट लिमिटेड, जिनके ऑलरेडी क्लाउड नाइन टावर्स नाम से यहाँ पर प्रोजेक्ट है, जिसका ये पजेशन दे चुके हैं। तो ऐसे बिल्डर जो ऑलरेडी पजेशन डिलीवरी दे चुके हों अपने प्रोजेक्टों की पहले, उनको दूसरे को सौंपने की ज़रूरत आ गई। मतलब कहीं ना कहीं इनको भी प्रॉब्लम, चाहे फंड्स की हो चाहे किसी की भी हो, तो इनको खुद में ये प्रॉब्लम फील हुई और ये 2021 तक इसको सेल या बना नहीं पाए, इसलिए इनको किसी और को देने की ज़रूरत पड़ी। तो क्या ये दूसरे बिल्डर या डेवलपर, अगर मैं कहूँ, चाहे वो एजिस ग्रुप या होम्स हों, और चाहे हों TNT, ये दोनों मिलकर के एक साल में पजेशन कैसे दे देंगे, ये एक चैलेंजिंग बात है कि ये चैलेंज शायद ये पूरा कर पाए ना कर पाए, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इन्होंने चैलेंज तो वाकई में बहुत बड़ा लिया है, और अगर इसे कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेरी शुभकामनाएं भी इनके साथ हैं कि ये लोग जो कमिट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर पजेशन, तो ये नेक्स्ट ईयर में पजेशन को दे दें। भगवान भी इनकी हेल्प करें कि हाँ, ये नेक्स्ट ईयर पजेशन दे सके, ताकि बायर्स को इनके जो पहले से बुकिंग हो रखी है जो बायर्स हैं, वो परेशान ना हो, उनको टेंशन ना हो कि पजेशन कब मिलेगा। तो दोस्तों, ये इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।